नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जन्म की पहली वर्षगांठ मनाते हुए किया गया भंडारे का आयोजन। खबर देवों की भूमि कहलाने वाले देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मंडवाखेड़ा से है, जहां नन्ही मुन्नी एवं छोटी बच्ची रिद्धिमा काम्बोज के जन्म को एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर जन्म की पहली वर्षगांठ मनाते हुए के रिद्धिमा के परिजनों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ एक भव्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन गांव से 500 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में आदि अनादि काल व 2800 साल से स्थित मनोकामना सिद्ध श्री श्री 1008 बाबा कटारमल देवस्थान पर किया गया, जिसमें पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड पाठ का आयोजन गुरु कृपा सद्भावना जागरण मंडल मंडली के संगीतकारों द्वारा सुंदर सुंदर भजन की प्रस्तुति दी गई, तथा उसके बाद पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ बाहर से आए हजारों की संख्या में साधु संतों एवं श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा छोटी बच्ची की लंबी उम्र की कामना भी की। वहीं मंदिर के पुजारी महंत सोमनाथ गिरी द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ये देवस्थान अस्थाई 100 साल पुराना मनोकामना सिद्ध श्री श्री 1008 कटारमल बाबा देवस्थान से प्रसिद्ध है, जो पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन एवं भक्ति से मन्नत लेकर आता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, तथा यहाँ प्रत्येक वर्ष 2 सितम्बर को भंडारे का आयोजन ग्रामीणों द्वारा कराया जाता है। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। देवस्थान के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है और ये पुरातत्व विभाग से प्रमाणित है, 2800 साल मंदिर है और यहाँ कई लोग आते हैं अपनी मन्नत लेकर के, और जो मन्नत मांगते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी करते हैं। इन लोगों का मन्नत था कि हमारे यहाँ अगर बालक हो जाएगा तो हम यहाँ भंडारा कराएंगे, तो आज इसके उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ भंडारा किया है। जैसे हमारा वार्षिक भंडारा जो है वो 2 सितंबर को इसकी है और जसपुर तहसील जिला पंच दशनाम चुना अखाड़े से मंडल श्री महंत सोम। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 28 की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ करके यहाँ पर जो ये हमसे जानना चाहा कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं और ये सब क्या है, इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने यहाँ पर जनता के बीच में हमारी ये बात और ये संदेश पहुंचाने के लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठे देख अपनी बात रखने का अवसर पाया है। और ये सब कटारमल बाबा की विशेष कृपा है, श्री श्री 1008 श्री कटारमल बाबा की विशेष कृपा से आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से हिस्से में जसपुर क्षेत्र में बाबा कटारमल देव स्थान है और बहुत ही पावन स्थान मनोकामना सिद्ध मंदिर बाबा कटारमल देवता का जो यहाँ पर है। यहाँ पर आज बाबा की विशेष कृपा से श्रीमान महेंद्र सिंह काम्बोजी के करकमलों द्वारा यहाँ पर अपनी पौत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर एक इस स्थान पर जैसा कि भंडारे के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस पाठ होता है, आज रामचरितमानस पाठ का तो समय हम लोगों को नहीं मिल पाया, लेकिन रामचरितमानस का ही एक 5वां अध्याय है सुंदरकांड, वो करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। हम सब आभारी हैं महेंद्र सिंह काम्बोजी के और प्रभु को बारंबार करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ पहुँच पाए और बाबा के चरण में बैठ करके भजनों का भी हमें समय मिला और बाबा के चरणों में बैठ करके सुंदर पाठ किया। जैसी भी हमसे सेवा बन सकी है बाबा हमारी ये सेवा स्वीकार करें। देखिए बाबा के स्थान के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस विषय में कुछ कह पाऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मैंने तो ये सुना है कि मेरे दादा और परदादा भी यही कहते चले गए कि हमने बाबा का स्थान ऐसे ही देखा है। तो इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो आदि अनादि काल से यहाँ पर स्थापित है, इनके विषय में मेरे पास बताने के लिए और कोई समय नहीं और ना ही मेरे पास शब्द हैं। लेकिन आपने पूछा कि ये मंडली कहाँ से है, कौन है, तो मैं बताना चाहूँगा
गुरु कृपा सद्भावना जागरण मंडल के माध्यम से आप इस मंडली को अभी आप सुन रहे थे। और इस मंडली ने जिनके मुख्य प्रोपराइटर भाई भुवनेश कुमार शर्मा जी, हमारे पंडित जी जो पार्टी के महंत भी हैं और बाबा की विशेष कृपा से कहीं ना कहीं छोटे मोटे महंत का दर्जा मुझे भी प्राप्त है। मैं बंटी उर्फ धर्मा आपके बीच बाबा के चरणों में यहाँ सेवा रख रहा था पंडित जी के साथ लेकर के, और हमारे भाई सीताराम जी हैं जो कि बहुत ही सुंदर गुणगान करते हैं, बाबा का भी, माता का भी, श्री राम जी का भी, जिस प्रकार से आप कीर्तन कराना चाहें। गुरु कृपा सद्भावना जागरण मंडल के माध्यम से